अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा तालबात, एक बार फिर से इस्तकबाल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक नेम है यहाँ पर टाइम टू लाफ। प्यारे बच्चों, हंसने का वक्त आया हुआ है, तो चलिए रीड एंड एंजॉय, लतीफे पढ़ो और लुत्फ उठाओ। डैडी सचिन, व्हाई आर यू वेयरिंग एन ऑड पेयर्स ऑफ शूज? वालिद सचिन, तुम अलग अलग किस्म के जूतों की जोड़ी क्यों पहने हुए हो, क्या बात है? सचिन कहता है, द अदर पेयर इज जस्ट एज आउट एज दिस वन, यानी जूतों की दूसरी जोड़ी में भी बिल्कुल उसी तरह अलग अलग किस्म के जूते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मम्मी व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है? बंटी, द टीचर हैज आस्क्ड अस टू राइट 10 लाइंस ऑन अ पेट डॉग। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, अपने पालतू कुत्ते पर 10 सत्रे लिखकर लाने के लिए कहा है। इसलिए प्यारे बच्चों देखिए, ये क्या कर रहा है, अपना जो पालतू कुत्ता है उसके ऊपर ही ये लिख रहा है ना मजे की बात। टीचर ने कहा था 10 लाइंस लिख कर लाओ, तो ये क्या कर रहा है, अपने पालतू कुत्ते के ऊपर ही लिख रहा है। सोना, What are you doing, मोना? मोना, तुम क्या कर रही हो? तो मोना क्या कर रही है, देखो मोना, I am writing a letter to my younger brother, मैं अपने छोटे भाई को खत लिख रही हूँ। सोना, Why are you writing it so slowly, तुम आहिस्ता आहिस्ता क्यों लिख रही हो? Because my brother is small, he cannot read fast, क्योंकि मेरा भाई छोटा है और तेजी से नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं स्लो स्लो लिख रही हूँ, है ना प्यारे बच्चों, मजेदार बात। अब देखिए यहाँ पर, कलेक्ट जोक फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स एंड लर्न टू टेल अ फ्यू जोक्स वेल। अखबारों, रिसालों और किताबों से लतीफे आपको क्या करने का है, जोक जमा करना है, कुछ लतीफे अंग्रेजी में भी आपको सुनाना है।